हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1D जो कि आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो क्या बोला है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करना है और दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम उसको वेरीफाई बोल देंगे कि भाई ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो कैसे सोल्व करना है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आप लोगों को पता हो तो मल्टीप्लाई के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्सेप्ट वीडियोस में। अगर अभी तक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट वीडियोस को जाके देखिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर कीजिए। आप लोगों का सारा डाउट अच्छे से खुद ही सोल्व हो जाएगा, आप लोगों को लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि a बाई बी को मल्टीप्लाई करो c बाई डी से या फिर c बाई डी को मल्टीप्लाई करो a बाई बी से। यानी जो मल्टीप्लाई होता है वो कॉमोटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड होगी, कॉमोटिटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, हमें वेरीफाई करके बताना है कि वो सच में वैलिड है या नहीं है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी तो कॉमोटिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे वैलिड होगी। तो देखो मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, या चाहो तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक में अलग करके बता देता हूँ, फिर एक साथ सोल्व कर दूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो देखो 3 1 जा 3 3 3 जा, मतलब यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं इसको, 3/5 मल्टीप्लाई -5/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर 1 और -1 बच गया तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का बना जाएगा, नीचे 1 और 3 बचा तो 1 3 जा 3 आएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कितना आता है, -1/3 आएगा। और राइट हैंड साइड को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो -5/9 मल्टीप्लाई 3/ यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर क्या होगा, माइनस माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ क्या होगा, 3 1 जा 3 आ गया। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो हम बोल देंगे हैंस वेरीफाइड, हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम ऐसा ही करना है, तो मैं एक साथ कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। देखो कुछ ऊपर नीचे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है या डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये और ये सब ऐसे ही रहेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, -104 आएगा, और 63 आ जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का आएगा, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 104 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी क्या आ रही है, बराबर ही निकल के आ रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, इधर 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ऊपर देखो -1 और 7, माइनस प्लस माइनस और 1 7 जा 7, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 7/15 आएगा। फिर इधर क्या होगा, देखो 7 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7, -3 और 5 को 3 5 जा 15, और माइनस प्लस माइनस का 15 आएगा। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, 7/15। तो यानी जो दोनों का रिजल्ट, यहाँ भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ नीचे 1 लगा लो पहले दोनों के, यहाँ क्या होगा, 4 से 2 टाइम होगा, ये 4 से 3 टाइम होगा। अब आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो ऊपर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 13 को 2 से करेंगे तो 26 आएगा, नीचे 1 3 जा 3 आ गया। ऊपर देखो -13 को 2 से करेंगे तो 26 आएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए प्लस का आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम बोल सकते हैं लास्ट में हमने वेरीफाइड
कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था वैसे यहाँ भी वेरीफाई करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, और दोनों साइड क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन उसको देख आगे बढ़ने से पहले हम पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअल में अप्लाई, मतलब यहाँ पे यूज किया जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी का। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो हम किसी भी दो प्रॉपर्टी को दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर तीसरे से कर लो, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियोज को जाके देखिए, उसके बाद में इनको देखना शुरू कीजिए। तो देखिए तो हमें क्या करना है, मैं दोनों को कंबाइंडली एक साथ ही सोल्व कर रहा हूँ। आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व कर सकते हो, पेपर में इसी तरीके से करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों सेम आएगा, तो उन दोनों को लास्ट में लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो हैंस वेरीफाइड। तो देखो तो सबसे पहले मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ 5/7 ऐसे कैसे आ जाएगा। ब्रैकेट को सोल्व करना है, क्या रिजल्ट आता है वो हम लिख देंगे। तो देखो कुछ ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है क्या, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखो 5 ना तो इससे होता है ना इससे, 12 ना इससे होता है ना इससे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 5 जा कितना होगा, 60 हो जाएगा, और नीचे 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम इधर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, ये 6 से 2 टाइम और ये 6 से 3 टाइम डिवाइड हो गया। देखो तो ऊपर तो कितना बच गया, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 13 3 जा 39। आई होप ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगली स्टेप में इनको फिर सोल्व करना है। तो देखो ये 6 से 3 टाइम होगा, ये 6 से 10 टाइम डिवाइड हो गया, ये 7 जा 7 और 7 13 जा 91 हो गया। तो अब ऊपर तो 10 मल्टीप्लाई 1 यानी 10 बचा, और नीचे कितना, 13 मल्टीप्लाई 3 39 बचा। आगे ये सोल्व नहीं हो रहा है तो इतना ही नोट कर देंगे। देखो 7 जा 7 7 2 जा 14 हो गया। अब ऊपर 5 2 जा 10 बचा, और नीचे कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई 39 यानी 39 बचा। तो देखो क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पे सेम ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड डाल के प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकते हो, फिर राइट हैंड साइड डाल के अलग से सोल्व कर सकते हो, लास्ट में फिर बोल देना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सेम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, -13/24 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का क्या रिजल्ट आएगा वो अभी निकालते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट का क्या रिजल्ट आएगा वो निकालते हैं, बाकी के पार्ट को ऐसे कैसे नोट कर लेते हैं। तो देखो 5 जा 5 5 7 जा 35 12 जा 12 12 3 जा 36 ऊपर -1 और 7 बचा यानी माइनस का 7 हो गया, और नीचे 1 और 3 बचा यानी कि 3 आएगा। यहाँ देखो 12 जा 12 12 2 जा 24 ऊपर -13 और 1 यानी माइनस का 13 बचा, और नीचे 2 5 जा 10 बचा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड को इधर सोल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को इधर एक साथ ही कंबाइंडली सोल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो फिर आगे सोल्व करेंगे, तो कुछ हो रहा है क्या मल्टीप्लाई वगैरह, तो देखो इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 7 जा 91 और 24 को 3 से करेंगे तो 72, तो इधर तो रिजल्ट कितना आएगा, 91/72। अब इधर देखो क्या होगा, देखो यहाँ एक गलती कर दी हमने, ये माइनस 13 और ये माइनस का 1 आया था, इसलिए क्या आएगा, प्लस का 13 आएगा। देखो डिवाइड हो रहा है तो कुछ यहाँ पे देखो 2 टाइम डिवाइड हो गया 5 से, और ये 2 टाइम ये 7 टाइम डिवाइड हो गया 5 से, तो 13 7 जा 91 होगा, और इधर 36 जा 72 आएगा। तो देखो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पहले इधर वाले को, तो पहले तो ये देखो 21/-4 तो ऐसे कैसे चलेगा, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, -9/5 ऐसे कैसे चलेगा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखो 5 जा 5 5 2 जा 10 3 जा 3 3 जा 9 -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का 6 हो जाएगा,
और 1 को 1 से करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो -9/5 ऐसे कैसे चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा -5 और 7 यानी -का 35, नीचे कितना बचा 1 और -2 यानी -का 2। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस भी कट गया, तो इधर तो देखो 6 × 21, अब आगे देखो सोल्व करेंगे इसको, 6/1 × 21 − 4 है और इधर −9/5 × 35/2 है। अब इसको फिर से सोल्व करना है, तो अगर डिवाइड वगैरह हो रहा है तो देखो ये 2 टाइम हो गया, 2 से और ये 3 टाइम हो गया, तो ऊपर 21/3 कितना बना 63 और नीचे 1 − 2 कितना हो गया -का 2 बन जाएगा। अब यहाँ कितना होगा 5 1 जा 5 5 5 5 7 जा कितना बनेगा 5 7 जा 35 होता है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे −+−9 7 जा 63 नीचे 1 2 जा 2। अब ध्यान रखना ये नीचे हो या माइनस ऊपर हो, ये मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कई बार, कि अगर −P/Q हो या फिर P/−Q हो, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे दोनों को आप चाहो तो दोनों को ऊपर, इसको माइनस को ऊपर ले जा सकते हो और इधर क्या लिख सकते हो दोनों। तो यहाँ भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 2 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।